हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा एंड आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज। टॉपिक हमारा है मल्टीनेशनल कंपनीज। सबने नाम सुना ही होगा मल्टीनेशनल कंपनीज का, या फिर MNC, जैसे कि आपके बड़े भाई या बड़ी बहन है तो सुना होगा उनसे कि मैं MNC में जॉब करता हूँ, है ना। सो मल्टीनेशनल कंपनी को हम ग्लोबल एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं एंड इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी बोल सकते हैं। इसके काफी सारे नाम है, आप कोई सब यूज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आगे। सो मल्टीनेशनल, ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिला है, बना है मल्टी प्लस नेशनल। मल्टी का मतलब क्या है? मेनी, यानी बहुत सारे, और नेशनल का मतलब क्या है? कंट्रीज। सो इससे क्या मीनिंग निकल के आया मल्टीनेशनल कंपनीज का? यानी ऐसी कंट्री जो कि मेनी, यानी बहुत सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, वो होगी मल्टीनेशनल कंपनी। A company which operates in many countries, एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस जो है पूरे बहुत सारे कंट्रीज में, पूरे ग्लोब में फैला हुआ है, वो हो गई मल्टीनेशनल कंपनीज। आगे देखते हैं, इट्स ब्रांचेस, फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स आर इन डिफरेंट कंट्रीज। इसके ब्रांचेस, इसके वर्कशॉप्स, ठीक है, इसके फैक्ट्रीज बहुत सारे कंट्री में फैले होते हैं, ठीक है, काफी सारी कंट्रीज में फैले होते हैं। सो अब बात आती है आपकी हेडक्वार्टर की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? होम कंट्री में। होम कंट्री में यानी वो कंपनी जिस भी कंट्री से बिलोंग करती है उसी कंट्री में उसका हेडक्वार्टर होगा, यानी मेन ऑफिस होगा। कैरीज बिजनेस इन अदर कंट्रीज, और वो अपना बिजनेस बहुत सारे कंट्रीज से चलाएगी, ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में रन करेगी अपना बिजनेस। वो सभी कंट्रीज होती है होस्ट कंट्रीज, ठीक है। होम कंट्री हो गई जिस कंट्री में उसका हेडक्वार्टर है, या मेन जिस कंट्री में वो बिलोंग करती है, वो हो गई होम कंट्री। होस्ट कंट्रीज वो हो गई है जहां पे वो अपना बिजनेस रन करती है, ठीक है। अब जैसे कोई कंपनी है, हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोका कोला US की ये कंपनी है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? US में। तो होम कंट्री हो गई US, यानी इसका हेडक्वार्टर हो गया US में। एंड कैरीज बिजनेस इन अदर कंट्रीज, यानी जिन जिन कंट्रीज में इसका बिजनेस फैला हुआ है, जैसे इंडिया में भी है ना, इंडिया में भी आप लोग पीते हैं ना कोका कोला, तो वो हो गई इसकी होस्ट कंट्री, यानी इंडिया हो गई होस्ट कंट्री, यानी इंडिया में उसका बिजनेस फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, उसके फीचर्स अभी जान लिए हमने मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स देखते हैं। जॉइंट साइज, यानी इन कंपनीज का बहुत बड़ा साइज होता है, ठीक है। They have huge financial resources. उनके financial resources बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा पैसों से ये start की जाती है। And operates at large scale पे operate होती है ना। अब जैसे कि आप सोचो, कोई छोटी सी company है या कोई shop है, कोई जैसे कि चौमिन की या मोमोज की, Chinese point सब जगह ही होते हैं। सो वो शॉप जो है अपना बिजनेस या अपनी जैसे कई शॉप्स पूरे कंट्री में तो खोल नहीं सकती है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं है, उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो बाकी सब कंट्रीज में मैनेज कर पाए अपना बिजनेस खोलना, है ना। सो मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, इसका ये फीचर है कि उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज स्केल पे वो ऑपरेट करती है, तभी तो वो मैनेज कर पाएगी बाकी सब कंट्रीज में अपना बिजनेस। The assets and sales are also large. उनके assets जो हैं, वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी सेल्स टर्नओवर जो होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। तब जब सेल्स ज्यादा होगी, एसेट्स ज्यादा होंगे, तो अभी तो उनको अर्निंग ज्यादा होगी ना, जिसकी वजह से किसी नई कंट्री में और वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर पाएंगे। वरना कोई नॉर्मल कोई बिजनेस है छोटा सा, वो तो अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, मे बी के हम उस अगर दूसरी कंट्री में अगर उसको जाना है तो प्लेन की टिकट ही अफोर्ड कर लो, वो भी नहीं होगा उससे तो। सो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पॉइंट से, विच इज इंटरनेशनल ऑपरेशंस। इंटरनेशनल का मतलब है इधर पूरा जो है आपका वर्ल्ड की बात इधर की जा रही है। सो इट ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री। जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो सिर्फ अपने ही कंट्री में बिजनेस रन नहीं करती है, बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस रन करती है, ठीक है। इट्स ब्रांचेस, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज आर इन मेनी कंट्रीज। उसके ब्रांचेस, फैक्ट्रीज वगैरह बहुत सारे कंट्रीज में होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इंटरनेशनल ऑपरेशंस, यानी जब ये ऑपरेट करती है, अपना बिजनेस रन करती है, तो इंटरनेशनल लेवल पर करती है,
ये सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होती है. सेकंड पॉइंट कर दिया. प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अभी जो इनके मैनेजमेंट होता है, इनके एम्प्लॉयज होते हैं, वो काफी प्रोफेशनल्स होते हैं. ऐसा क्यों? बिकॉज दीज कंपनीज कैन ईजिली अफोर्ड टू हायर एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स एंड स्पेशलाइज्ड पीपल. क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये इजिली अफोर्ड कर सकती हैं कि भाई प्रोफेशनल्स को हायर कर सके और उनको मोटी मोटी सैलरी दे सके. दे ऑल्सो अपडेट नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज बाय गिविंग देम ट्रेनिंग टाइम टू टाइम. और ये क्या करती हैं कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देती रहती है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स जो है अपडेट होती रहे, उनमें एक प्रोफेशनलिज्म आए. सो फोर्थ पॉइंट हम करते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. सेंट्रल का मतलब क्या होता है? मतलब सेंट्रलाइज्ड जो वर्ड है वो सेंटर से बना है ना, तो मतलब सेंटर में रहना सब कुछ, एक जगह कंट्रोल रहना. कैसे? ऑल्दो इट्स ब्रांचेस आर स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्रीज. सबको पता है, मल्टीनेशनल कंपनी के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इनके ब्रांचेस जो होते हैं, इनके ऑफिस होते हैं, वो बहुत सारे कंट्रीज में फैले होते हैं, है ना. बट दे आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय हेडक्वार्टर इन होम कंट्री. लेकिन अब इन्हीं जितने भी ये ब्रांचेस हैं, इन सब पे कौन नजर रखेगा, कौन कंट्रोल करेगा, कौन इन सबको मैनेज करेगा? इनको मैनेज करेगा हेडक्वार्टर. जो मेन हेडक्वार्टर होगा वो इनको सारे ब्रांचेस को मैनेज करेगा. ये नहीं कि हर एक चीज को मैनेज करेगा, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कोई भी पॉलिसी लेनी है, कोई डिसीजन लेना, वो ये हेडक्वार्टर्स लेंगे. बट अगर बात की जाए डे टू डे वर्किंग की, डे टू डे वर्किंग में इन कंपनीज का क्या होता है, इन हेडक्वार्टर्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. देयर इज नो इंटरफेरेंस इन डे टू डे वर्किंग. ठीक है, जो डेली के जो रेगुलर ऑपरेशंस होते हैं वो ये काम खुद ही करते हैं. लेकिन जो इंपॉर्टेंट अगर कोई डिसीजन लेना है, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, या उसी एरिया में कोई नई ब्रांच खोलने से रिलेटेड, तो ये जो मोटे मोटे डिसीजन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ये जो है हेडक्वार्टर से लिए जाते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी. ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो कंपनीज हैं, ये बहुत ज्यादा एडवांस सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज करती हैं. दीज कंपनीज यूज लेटेस्ट इनोवेटिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. ऐसा क्यों? रीजन क्या है इसका कि ये इतनी ज्यादा कॉस्टली और इतना ज्यादा अच्छा जो है टेक्निक यूज करती है, टेक्नोलॉजी यूज करती है? इसका रीजन ये है क्योंकि इनको पूरे वर्ल्ड में कम्पीट करना है. अब ये हर एक कंट्री में जाके अपना बिजनेस ऑपरेट करेगी, तो वहां के कुछ लोकल बिजनेसमैन भी होंगे, इनको उनके साथ कंपीट करना पड़ता है, उनसे आगे निकलना पड़ता है. सो इनको अच्छी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ताकि अच्छे गुड्स जो है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स और कम कॉस्ट पे गुड्स प्रोवाइड कर सके. दे ब्रिंग इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन द कंट्री वेयर दे ऑपरेट. और ये कंपनीज जिस भी कंट्री में काम करती है, जिस भी कंट्री में ऑपरेट करती है अपना बिजनेस, वहां इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस लेके आती है. अब जैसे कोई बाहर की कंपनी है, इंडिया में आती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही वो कोई कंपनी है, तो वो इंडिया में ऑपरेट करेगी, तो उनके टेक्नोलॉजी इंडिया में भी तो आएगी. या फिर वही कंपनी किसी थर्ड कंट्री में काम कर रही है, तो वहां की टेक्नोलॉजी वो अपनी कंट्री में भी लेके जाएगी और हमारे कंट्री में भी लेके जाएगी, है ना. तो इस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस होता है जिस भी कंट्री में ये ऑपरेट करती है. सेवेंथ पॉइंट, विच इज एग्रेसिव मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग. मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की. दीज कंपनीज स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग. ये कंपनी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पर. आपने देखा होगा जैसे कभी ऋतिक रोशन एड दे रहा है टीवी में, है ना, कभी कटरीना कैफ की एड आ रही है, तो वो बहुत सारा अमाउंट पे करना पड़ता है उनको इस एडवर्टीजमेंट के लिए. तो बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए. सो दे आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज. अभी जो कंपनीज है इतना ज्यादा पैसा खर्च करती है एडवर्टीजमेंट पर, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने प्रोडक्ट्स सेल कर पाती हैं अलग अलग कंट्रीज में. अब जैसे कि हमारी कंट्री है, उसमें जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे कटरीना कैफ हो, अब वो कोई भी एडवर्टीजमेंट देते हैं किसी प्रोडक्ट की, हम तो उनपे ट्रस्ट करते हैं, है ना, कि वो हमारी कंट्री के हैं, तो हमें जो वो प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे वो अच्छा ही होगा. ऐसे ही जो वही सेम कंपनी किसी और कंट्री में जाके एडवर्टीजमेंट करती है, तो वहां के सेलिब्रिटी सजेस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को,
तो उनको भी ऐसा ही लगता होगा कि नहीं ये प्रोडक्ट तो अच्छा है। तो ये एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे जो है इतना ज्यादा जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाती है। एट्थ पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये इसी कोशिश में लगी रहती हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट देना वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करें, मतलब क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। अब जैसे कि आप जाओ डोमिनोज में चले जाओ, मैकडी में चले जाओ, ठीक है, अब डोमिनोज में आपको पिज्जा आपने ऑर्डर किया है जो एक्स्ट्रा चीज वाला, तो उसमें चीज वो काफी सारा क्वांटिटी में डाल के देंगे, है ना, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे ना कि कम चीज डाल देते हैं। जैसे कि अपने लोकल स्टोर्स की बात करी जाए तो वो क्या करेंगे, अगर हनी से कुछ प्रोडक्ट है तो उसके अंदर वो थोड़ा शुगर ऐड कर देंगे, है ना। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं अगर वो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है तो वो कोशिश करती हैं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। MNCs has to compete on international level. अब MNCs जो होती है इनको इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना होता है, पूरे मतलब वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना होता है, है ना। और साथ में उनको क्या होता है कि जो वहां के लोकल बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ भी कम्पीट करना होता है। सो वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकती क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, कुछ गड़बड़ दिखाई, तो वहां के लोकल बिजनेसमैन जो है उनका प्रोडक्ट जो है ज्यादा प्रेफर किया जाएगा हमारे कंपैरिजन में। सो दे पे स्पेशल अटेंशन एंड यूज बेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो वो इसी कोशिश में लगी रहती हैं कि हम अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें, ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का हो ताकि हम इजिली कॉम्पीट कर पाए इंटरनेशनल लेवल पर। इसी के साथ आपके फीचर्स खत्म हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।